गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून। इन चैप्टर सेकंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन द चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न अबाउट हाउ प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। फर्स्ट चैप्टर में तो आपने पढ़ा है कि प्लांट जो कैसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, ठीक है। वहां पर हमने दो तरह के न्यूट्रिशन देखे थे, कौन कौन से न्यूट्रिशन देखे थे। एक तो फर्स्ट हमने देखा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही, ठीक है। दूसरा न्यूट्रिशन कौन सा था, हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा हमने, और दूसरा देखा था हमने हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन जो हम जो देख चुके हैं, ठीक है। अब जो करने वाले हम नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन रहेगा आपका वो रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल जो है न्यूट्रिशन जो कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, कि प्लांट्स वो कैसे डिफरेंट है, कैसे जो न्यूट्रिशन को जो प्राप्त करते हैं। बताइए प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के जरिए प्राप्त करते हैं, प्रोसेस का नाम बताइए। फोटोट्रॉफिक जो है, ठीक है, वो प्राप्त करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। किससे प्राप्त करते हैं वो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लिख के दिखाएगा, बताइए फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और किसकी, वाटर की होती है, वाटर सनलाइट, ठीक है। यहाँ पर सनलाइट भी चाहिएगा, और क्या चाहिए सनलाइट के अलावा, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। सिक्स सिक्स यहाँ पर रहेंगे, और ये बनाते क्या है, क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शुगर, शुगर ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और प्लस साथ ही और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, O2 जो बनाते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन थी जी, ये जो था ना ऑटोट्रोफिक के अंदर था, ऑटोट्रोफिक। और ऑटोट्रोफिक कौन होते हैं, प्लांट होते हुए, ठीक है। अब जो है, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल करेंगे इस चैप्टर में, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या क्या पढ़ेंगे। अमीबा जो कि यूनिसेलुलर एलिमेंट है, यूनिसेलुलर क्या रहेगा, ऑर्गेनिज्म रहेगा भाई, ठीक है, एलिमेंट नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म रहता है। न्यूट्रिशन ह्यूमंस ये पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ टीथ पढ़ेंगे, फोर टाइप के जो टीथ रहेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पर। न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट, रूमिनेंट जो होते हैं, ठीक है, घास खाने वाले जो जानवर है, ठीक है, उनमें भी, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन ऐसे एनिमल, देखो एनिमल के अंदर क्या है आपका आ गया, ठीक है, ह्यूमन भी आ गए, कौन आ गए, ह्यूमन भी आ गए। इंक्लूडिंग ह्यूमन को मिलाते हुए डिपेंड ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और प्लांट एनिमल्स फॉर देयर फूड। चाहे इसमें आपके कोई प्लांट रहे, देखो जो चाहे आपका कोई सा भी एनिमल हो, चाहे वो आपको जो है, ठीक है, ये जानवर रहे ये वाले, या फिर ह्यूमन भी आ जाए उसके अंदर, प्लस ये जानवर हैं सारे के सारे प्लस ह्यूमन भी क्या रहेगा, वो जो है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, प्लांट के ऊपर, फूड के लिए। तो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक। अरे अंशुल कौन है ये, ठीक है, कब करो जल्दी से अंशुल, रिमूव करो ये, क्या कर रहे हो, करता हूँ खाते हैं, ठीक है, उन्हें हम हर्बीवोर एनिमल कहते हैं, ठीक है, वो हर्बीवोर रहेंगे। इसके बाद जो कार्निवोर है, फिर उसके बाद बताया सी, सी फॉर कार्निवोर के लिए लिखना है, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपके, दूसरा हो गया कार्निवोर, कार्निवोर बताया भाई, कार्निवोर कौन होते हैं सर, जो फ्लैश खाते हैं, कार्निवोर एनिमल्स वो होते हैं विच ईट फ्लैश, विच ईट्स फ्लैश, जो कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं, कार्निवोर एनिमल कहते हैं। नंबर थर्ड, थर्ड क्या रहेगा, ओमनीवोर, ओमनीवोर, ओमनीवोर किन्हें कहते हैं
सर एनिमल प्लांट्स एंड प्लांट्स बोथ जो बोथ प्लांट प्लांट एज वेल एज प्लांट के साथ साथ इसको खाएंगे एंड दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं एज वेल एज अदर एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ओमनिवोर ठीक है आगे बात समझे भाई ये रहेगा अब हर्बीवोर एनिमल के एग्जांपल को बता सकते हैं जो ग्रास खाते हैं जैसे आपका क्या है गोट रहेगा ठीक है काओ ठीक है कार्निवोर एग्जांपल बताइए कार्निवोर कार्निवोर एग्जांपल लायन रहेगा भाई ठीक है बहुत अच्छे शाबाश और ओमनिवोर एग्जांपल बताइए क्रो ह्यूमन बीइंग्स ह्यूमन बीइंग्स बहुत अच्छे क्रो सर क्रो डॉग रहेगा ठीक है ये जो क्या है ओमनिवोर के एग्जांपल भी ठीक है तो हमें पता है कि हर्बीवोर कार्निवोर और ओमनिवोर कौन है ठीक है अब यही हमने क्या करना है इस पिक्चर में देखते हुए लुक एट एंड राइट एच फॉर हर्बीवोर यदि वो हर्बीवोर है तो एच लिखना है इन इन बॉक्सेस के अंदर ठीक है ये बॉक्स यहाँ पर दिखे हुए भाई और यदि वो कार्निवोर है तो वो आपने सी लिखना है यहाँ पर क्या लिखना सी और ओमनिवोर है तो क्या लिखेंगे आप ओ लिखेंगे अभी तो यहाँ पर बताइए ये क्या है यहाँ पर जो है ठीक है पियर है भालू है ठीक है पियर बताइए पियर जो होता है बताइए जल्दी से कैसा होता है भाई वो ओमनिवोर है हर्बीवोर है कार्निवोर है कैसा होता है सर ठीक है जो बियर रहेगा वो हार्बीवोर रहेगा वो घास वगैरह खाते है भाई ठीक है दूसरे जानवर को निकाल मार देता है ठीक है यदि उसको पहचान करता है तो ठीक है उसको मार दे किल कर देगा सर ये हार्बीवोर है ये हार्बीवोर है क्या है हार्बीवोर है ठीक है उसके बाद आपका जो बियर रहेगा जल्दी बताइए आपका हार्बीवोर क्या रहेगा हार्बीवोर बियर जो रहेगा यहाँ पर हार्बीवोर नहीं है ठीक है उसको जो ओमनिवोर में डाला गया किसमें डाला गया ओमनिवोर में डाला गया ठीक है पर ये गलत हो गया हमसे ठीक है इसको तो यहाँ पर जो आप करेक्ट कर ले आंसर यहाँ पर भी दे रखे थे ठीक है हर्बीवोर भी है मतलब ओमनिवोर कौन होते हैं जो दोनों खाते हैं भाई क्योंकि लैस भी खाएंगे और साथ ही साथ क्या खाएंगे ग्रास भी जो है ईट करते हैं ठीक है तो ये क्या रहेगा इसको आप जो कल ये क्या रहेगा ओमनिवोर्स में आएगा किसमें आएगा ओमनिवोर्स में तो एच नहीं होगा यहाँ पर वो रहेगा ठीक है बच्चे एक्टिव है ठीक है भाई बताया करो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेजेस के ऊपर जो है अब डू यू नो व्हाट हैपेंस टू द फूड आफ्टर इट इज ईटन क्या आप जानते हैं जब ये फूड खा लेते हैं तो क्या होता है उस फूड के साथ भाई लेट अस लर्न अबाउट इट आओ पढ़ लेते हैं उसके बारे में तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आ गए हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल यहाँ पर क्या होता है देखो जैसे फूड जो है इन एनिमल्स के द्वारा खा लिया जाता है वो फूड जो है ब्रोकन डाउन हो जाता है टूट जाता है किसके अंदर एनिमल्स बॉडी के अंदर किसके अंदर एनिमल्स बॉडी के अंदर टूट जाता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर तो याद रखेगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट थिंग क्या है फूड जो है ब्रेक डाउन होगा ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस कौन से रहेंगे जो कि डाइजेस्ट हो जाएंगे ठीक है विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय विच कैन बी डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी जो कि हमारी बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट किए जा सकते हैं आवर बॉडी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखो अब ये फूड क्यों चाहिए हमें फूड की आवश्यकता क्या होता है कैन देन वी यूज बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी एनर्जी प्राप्त करने के लिए इसलिए चाहिए फूड फूड हमें व्हाई फूड बताइए जल्दी से व्हाई फूड हमें फूड क्यों चाहिए एनर्जी टू गेन एनर्जी एनर्जी चाहिए ठीक है एनर्जी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं फूड खाते हैं भाई फूड लेते हैं अब न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है एनिमल्स के अंदर उसके अंदर फाइव स्टेजेस आती है कौन कौन सी फाइव स्टेजेस है यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट स्टेज रहेगी इंजेशन सेकंड स्टेज रहेगी डाइजेशन थर्ड स्टेज रहेगी एब्जॉर्प्शन
फोर्थ स्टेज रहेगी एसिमिलेशन और फिफ्थ स्टेज रहेगी इजेक्शन, ठीक है भाई। तो जो न्यूट्रिशन है एनिमल के अंदर वह जो है फाइव स्टेजेस में काम करता है, फाइव स्टेजेस के अंदर शामिल होती है। फर्स्ट स्टेजेस क्या है? इंजेशन। फर्स्ट स्टेज कौन सी आती है भाई? इंजेशन। इंजेशन क्या है? यहाँ पर जो है इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी बाय माउथ तक फूड को लेकर के जाना ही क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड ये कहलाएगा क्या? इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्या कहलाएगा ये? इंजेशन कहलाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट आपका डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। शांत बेटा, शांत जो है ये हटाओ बेटा, परेशान ना कीजिए। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जब ये फूड है, फर्स्ट स्टेप है आपने फूड ले लिया अपने अंदर, ठीक है। फूड जो है जैसे कि आप जैसे क्या कर रहे हैं आप क्या खा रहे हैं? यहाँ पर जाइए, तो ये क्या है, क्या है बताइए जल्दी से, क्या है बेटा? ये फूड है, फूड है ये, ठीक है। फूड फूड में हम क्या कह रहे हैं इसको? चलो बताओ क्या खाओगे? सैंडविच, सैंडविच बना देते हैं, ठीक है। सैंडविच हो गया, क्या हो गया? सैंडविच, ठीक है। अब सैंडविच को जो है, ठीक है, जैसे ही आप अपने माउथ के अंदर रखेंगे भाई, ठीक है, माउथ के अंदर जैसे ही आप रखेंगे, ठीक है, कुंडू करते हैं एक बार, माउथ के अंदर कुछ अलग बनाते हैं। अच्छा, माउथ बनाना आता है आपको? ठीक है, माउथ देखो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान सा स्टेप्स रहेगा, ठीक है। देखो गिनती आती है चार तक, एक, उसके बाद दो, ठीक है, फिर इसके बाद ये तीन, चार। अब आप क्या करेंगे इसको यहाँ से, ये ठीक है, लग रहा है माउस तक थोड़ा सा? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यहाँ पर मैं लगाया था उसको, ठीक है, ये कान बना देते हैं, ठीक है, ये लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रहेगा? ये फूड पाइप रहेगा, पाइप रहेंगे, और इधर नोज के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो ये जाएगा, ठीक है, ये विंड पाइप रहेगा पीछे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर। अब ये क्या है? ये माउथ है। माउथ के अंदर जैसे आप फूड को लेके जाते हैं, माउथ के अंदर जैसे आप फूड को लेके जाते हैं, तो वो प्रोसेस यहाँ तक जो फूड आता है, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है क्या? इंजेशन कहलाती है, कहलाते हैं इंजेशन। अब जब इसके बाद जब आपका फूड, ठीक है, ये फूड पाइप से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए ये कितना आता है? सबसे पहले जो है ये आएगा भाई किसके अंदर? स्टमक के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? स्टमक के अंदर। ये क्या है? ये स्टमक है। क्या है? स्टमक, ठीक है। स्टमक के अंदर डाइजेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा भाई। स्टमक के अंदर क्या होगा? डाइजेशन स्टार्ट होगा। पढ़ेंगे हम जो है, ठीक है, अभी से थोड़ा इंट्रो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो होता है सिंपल सब्सटेंस के अंदर, वो डाइजेशन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस। असल में हमारा फूड जो है ना, हमें याद रखना वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रहते हैं उसके अंदर। क्या रहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब ये क्या है? मतलब जटिल है, जो कि हमारे जो होगा सोल्यूबल सब्सटेंस का, जो घुले हुए सब्सटेंस है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन, जो कि डाइजेशन के दौरान बने हैं बाय द टिश्यूज इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। मतलब हमारे टिश्यू के द्वारा जो सोल्यूबल बने उनका एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? नेम सिल्पी एब्जॉर्प्शन। अब सिंपल सब्सटेंस का यूज करके जो फूड से आपने सिंपल सब्सटेंस मिला था उसको यूज करना, यूज ऑफ सोल्युबल सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने के लिए फिर से जो कि रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के द्वारा, मतलब जैसे
हमने क्या लिए थे, प्रोटीन लिया, ठीक है, दूध वगैरह पिया भाई, दूध के अंदर प्रोटीन वगैरह तो डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, तो टूटेंगे स्मॉल सो फ्रैक्शन देंगे, सोच लियो उतर जाओ, खाता है बिल्ली से लड़ता है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, स्टूडेंट्स डाइजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकाल देना, एलिमिनेट कर देना भाई, एक अनडाइजेस्टेड फूड जो आपने फूड लिया है, इनटेक किया है, शरीर से बाहर निकालना थ्रू द एनस इज कॉल्ड डाइजेशन, ये कहलाता है डाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। ये पांच प्रोसेस रहेगी, इन पांच प्रोसेस में आपका जो होगा यहाँ पर जो न्यूट्रिशन होता है ये एनिमल के अंदर, सभी एनिमल के अंदर ये रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जी, बेटा बोलो सर, ये एब्जॉर्प्शन एक बार दोबारा समझा दो। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, हिंदी में हम इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण मतलब अवशोषित करना, शरीर के अंदर सोल्युबल सब्सटेंस को, जो कि सोल्युबल सब्सटेंस कब बना है, डाइजेशन ऑफ फूड से, ठीक है, ये टिश्यू के अंदर चले जाते हैं। किसके अंदर चले जाते हैं? टिश्यू के अंदर। टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स के मिलने से बनते हैं आपके टिश्यू, सेल होते हैं, सेल से क्या बनते हैं आपके टिश्यू बनते हैं। मतलब हमारी बॉडी के द्वारा जब उन सोल्युबल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हमारी बॉडी को, ठीक है, अब देखो क्या चाहिए भाई, अब प्रोटीन तो चाहिए, अब वो प्रोटीन जो है किसमें टूटेंगे? अमीनो एसिड्स में टूटेंगे, अमीनो एसिड्स में। अब उन अमीनो एसिड्स को हमारे शरीर के द्वारा क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। आगे समझे भाई, चले अब आगे, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंजेस्टिंग फूड। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है फूड को इंजेस्ट करने का। इंजेस्ट करना फर्स्ट प्रोसेस है भाई, इंजेस्ट करना फूड को प्राप्त करना, ठीक है, मुंह तक लेके जाना, माउथ तक लेके जाना फूड को क्या कहलाता है? इंजेशन ऑफ फूड कहलाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड जो है इंजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आउट ग्रोथ ऑन देयर बॉडीज। कैसे इंजेस्ट होता है, मतलब खाने को कैसे जो प्राप्त करते हैं, खाने को प्राप्त करने का साधन क्या है, वो आउट ग्रोथ होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, मतलब बॉडी के ऊपर जो है कुछ आउट ग्रोथ होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हाथ होते हैं, हैंड है भाई, ठीक है, हम अपने हाथों से जो खाते हैं खाना, ठीक है ना, माउथ के अंदर डालते हैं। लेकिन कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास क्या होते हैं, ठीक है, हैंड नहीं है। तो जैसे कि टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के अंदर, सीलिया होते हैं किसके अंदर, पैरामीसियम के अंदर, ठीक है, ये क्या है, आउटर ग्रोथ कहलाते हैं, कहलाते हैं आउटर ग्रोथ, मतलब उनके शरीर के बाहर जो कुछ आउटर ग्रोथ होती है जिससे क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं फूड को, क्या करेंगे वो कैप्चर करेंगे भाई, ठीक है। अब फूड को कैप्चर करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इंजेस्ट होगा फिर उसके बाद डाइजेस्ट होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होगा, फिर एसिमिलेशन और डाइजेशन भी साथ साथ होते हैं। तो पांचों प्रोसेस जो ठीक है एक के बाद एक करके ही होती हुई, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्या रहेगा, स्मॉल एनिमल्स जैसे कि आपका इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, ठीक है भाई, हैव स्पेशल माउथ पार्ट्स, उनके पास कहते हैं कुछ स्पेशल माउथ पार्ट होते हैं फॉर इंजेस्टिंग फूड। इंसेक्ट के पास होते हैं ना भाई, ठीक है, फूड को इंजेस्ट करने के लिए, वो माउथ के द्वारा क्या करते हैं, माउथ होते हैं उनके पास, माउथ से क्या करते हैं वो, ठीक है, फूड को क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं। फिर देन आफ्टर इसके बाद जो डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और रिजेक्शन रहेंगे। द माउथ ऑफ ए बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू ए बीक। जो है बर्ड का जो माउथ होता है व्हिच हेल्प्स इट टू कैच फूड एंड टियर और क्रैक इट, जो उसको हेल्प करता है फूड को कैच करने में, उसको टियर करने में और क्रैक करने में। टियर मतलब चीरने और पढ़ने।
और एवंस पावर में खेलते सोनू का है इनिशियली जरूर बर्ड्स के अंदर डिपेंडिंग काइंड ऑफ फूड दे ईट जो फूड इनिशियली जरूर स्नेक्स फॉलो करते हैं फूड को ठीक है इनटू देयर फूड होल ठीक है पूरा पूरा जो निकल ही जाता है फूड कौन स्नेक जो है भाई ठीक है ना वो पूरे फूड को क्या करता है निकल जाता है Let us first learn about nutrition in one of the simple living organism. तो सबसे पहले जो हम ठीक है जो सबसे simple organism है आपका अमीबा है ये unicellular organism है कैसा organism है भैया unicellular unicellular का मतलब समझते हो unicellular का meaning single cell ठीक है single cell organism सबसे छोटा micro organism है ये ठीक है single cell organism अब इसके अंदर जो है कैसे जो है ये पूरी प्रोसेस जो है न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है इसको हम यहाँ पर जानने वाले हैं ठीक है तो इसके बाद क्या है न्यूट्रिशन इन अमीबा ठीक है अमीबा क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ठीक है भाई उसके बारे में पहले जानते हैं अमीबा क्या है एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मेडअप बना होता है किसका सिंगल सेल से किससे बना होता है सिंगल सेल से बना होता है इट इज मतलब सिंगल सेल है भाई एक ही सेल रहेगी कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है ये नहीं कि अमीबा केवल ये स्ट्रक्चर है भाई ठीक है आप जैसे कैसे बना सकते हैं ठीक है ऐसे जो है रफ सा डायग्राम्स का बना सकते हैं ये क्या है अमीबा है क्या है ये अमीबा ठीक है आ रहा है समझे भाई ये अमीबा का स्ट्रक्चर रहेगा अब इसके बाद ये जनरली कहाँ पे मिलता है इट इज यूजली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेस पॉन्ड्स क्या होते हैं तालाब होते हैं भाई ठीक है और जो डिचेस ठीक है जो रहेगा यहाँ पर जो है ठीक है गूगल करके हम जो देख उन्हीं को क्या करता है ये ठीक है खाता है कौन अमीबा इट डज नॉट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी इसकी जो कोई स्ट्रक्चर्ड बॉडी नहीं है कोई आकार नहीं कैसा भी कुछ भी आकार इसका हो सकता है ठीक है कैसा भी ठीक है आकार इसके पास हैंड वगैरह कुछ नहीं होते हैं ठीक है भाई लेग वगैरह माउथ वगैरह कुछ नहीं है ठीक है सिंगल सेल है सिंगल सेल तो छोटी होती है बहुत ही छोटी होती है तो स्मॉल सी सेल होती है व्हेन अमीबा सेंसेस फूड जब अमीबा क्या करता है सेंस करता है फूड मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसके पास आता है ये रहा आपका फूड भाई ठीक है ये फूड है यहाँ पर जैसे ये फूड इसके नजदीक आता है ठीक है ये फूड रहा ठीक है फूड इसके नजदीक आता है तो क्या करता है ये इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सुडोपोडिया ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है इसको हम क्या कहते हैं सुडोपोडिया कहते हैं ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा ये जो फूड है क्या है फूड है ठीक है हंसी का बेटा अंडो कीजिए अंडो करो बेटा हो जाएगा साफ क्लियर करिए हंसी का इसे मत करो ये फूड रहेगा अमीबा अमीबा के पास क्या होता है एक न्यूक्लियस रहता है इसको हम क्या कह रहे हैं न्यूक्लियस कहते हैं ठीक है इसके स्ट्रक्चर में जो है यहाँ पर ये अमीबा का स्ट्रक्चर देख लो और इसमें फल लिख रही है डॉट डॉट रहेगी ठीक है साइटोप्लाज्म ठीक है ये साइटोप्लाज्म रहता है ठीक है यहाँ पर जो आपने बना लिया ये फूड है अब जैसे ही इसको फूड को सेंस करता है तो ये क्या करेगा यहाँ से जो है आउटर ग्रोथ जो बाहर निकलेगी इसकी ठीक है इसको क्या कर देगी कवर करना स्टार्ट कर देगी इधर से भी जो है कुछ ना कुछ आउटर ग्रोथ जो बाहर निकलेगी इसको जो कवर करना वो स्टार्ट कर देती है ठीक है कवर करना स्टार्ट कर तो जैसे ही फूड इसको दिखाई देगा हम यहाँ पर ये मान लेते हैं ये फूड आ गया तो अमीबा क्या कर ले इसको जो है चारों तरफ से ऐसे जो क्या कर ले इसको कवर कर लेगा ठीक है यूं आया ठीक है यहाँ से जो है ये अमीबा ने क्या कर लिया इसको कवर कर लिया ठीक है यहाँ पर जैसे ही कवर कर लेता ये अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम क्या कहते हैं सुडोपोडिया कहते हैं क्या कहते हैं सुडोपोडिया PODIA PODIA ठीक है ये रहेगा सुडोपोडिया अंडू कर लेते दोबारा मैं क्लियर से स्पेलिंग लिख देता हूँ ठीक है हंसी का बेटा ठीक है बार बार चले जाते हो हाँ हाँ
ये क्या रहेंगे सूडोपोडिया रहेंगे, क्या रहेंगे पी एस ई यू डी ओ पी ओ डी आई ए, ठीक है। सूडो, सूडो का मीनिंग क्या होता है फॉल्स, ठीक है, नकली भाई, ठीक है, फॉल्स मतलब नकली पैर ये इसके बन जाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आते हैं, टेम्परेरी होते हैं। फूड पोडिया का मतलब यहाँ पर क्या है फूट है, या फिर जो लेग्स भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं लेग्स, ठीक है, जो है बन। तो ये अगर इसको कवर कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो क्या है ये फूड है, क्या है फूड, इसको अगर इसने कवर कर लिया, अब जैसी फूड ये कवर है फिर ये अंदर, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा मान लेते हैं क्या है न्यूक्लियस है, क्या है ये न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये आ गया का फूड आ गया, उसकी तरफ ये ऐसा जो है कैविटी सी बन जाती है, इस पूरी को हम क्या कहते हैं फूड वैक्यूल कहते हैं, क्या कहते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है भाई, ये फूड वैक्यूल कहलाएगा। और ये क्या है इसके अंदर जो है ये क्या है ये फूड है, क्या है ये फूड है, ठीक है। और ये क्या अमीबा, ठीक है, इसके अंदर जो है अंदर से इसको बना देते, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको जो बनाना, ठीक है, ये रहेगा वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल को, ठीक है, इसके अंदर जो आते हैं यहाँ पर क्या आएंगे एंजाइम आएंगे, ठीक है, एंजाइम जो आते हैं इसके अंदर जो एंटर कर जाते हैं, जो कि इसको करते हैं डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेंगे, सम डाइजेस्टिव जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूस है सीक्रेट होता है, सीक्रेट का मीनिंग क्या बताया यहाँ पर जो रिलीज होना या फिर निकलना, तो प्रोड्यूस एंड रिलीज ए सब्सटेंस ही कहलाता है आपका सीक्रेट कहलाता है, सीक्रेट, सीक्रेट का मीनिंग क्या है यहाँ पर सीक्रेट, जो कि आपका यहाँ पर बताया गया इसके अंदर, ठीक है, ये रहा सीक्रेट यहाँ पर जो है टू प्रोड्यूस, ठीक है, रिलीज, टू रिलीज ए सब्सटेंस, रिलीज करना एक सब्सटेंस, ठीक है, प्रोड्यूस एंड रिलीज ए सब्सटेंस को कहलाता है सीक्रेट, सीक्रेट इन द फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल here it is then absorb, उसके बाद फिर ये absorb कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद assimilated होगा and the undigested part is thrown out, last वाला part ये रहेगा। तो चारों पांच जो process यहाँ पर जो हो जाती है, पहले food को जो ingest किया इन्होंने, ठीक है, कैसे पकड़ा भाई pseudopodia बना करके, फिर food आए भाई यहाँ पर, इसको जो अंदर लेके चले गए, vacuole बनाया, food vacuole यहाँ पर जो बना दिया, फिर उसके बाद food vacuole बनने के बाद यहाँ पर क्या आते हैं digestive enzyme आएंगे, ये जो क्या है ये digestive enzyme, क्या है digestive enzyme, जैसे यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड क्या होता है छोटे छोटे सब्सटेंस में जो कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये क्या होगा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, फूड इज डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर होगा भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, उसके बाद क्या होगा एसिमिलेशन होगा, assimilation of food, फिर इसके बाद क्या होता है digestion होगा, क्या होगा last part जो रहेगा digestion, जो कि undigested part है वो बाहर कर लिया जाता है, ठीक है, single cell के द्वारा, आगे बात समझे भाई, ठीक है। तो अब ये रहेगा भाई, ठीक है, अब जो कुछ question भी ठीक है आपके लिए जो कि होने चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि आपने करने हैं यहाँ पर, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, नेम सम जो कि आपने कमेंट करके बताने हैं, ठीक है, कुछ जो है सम हार्बीवोर एनिमल, हार्बीवोर, हार्बीवोर एनिमल, आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे, ठीक है, हार्बीवोर एनिमल, फिर उसके बाद ओमनीवोर आप बताएंगे, ओमनीवोर एनिमल कौन सा है, ठीक है, कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। थर्ड जो रहेगा तन्वी अब आ रहे हो, ठीक है, ये कोई फोन नहीं अभी, अरे वो रहेगा, और क्या क्या पढ़ाया बताओ जल्दी बताओ, और क्या पूछे, न्यूट्रिशन सर, कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है, चलो कार्निवोरस भी लिखोगे, ठीक है, कार्निवोरस भी लिखोगे,
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि आज हमने पढ़ा है, ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, ठीक है।